नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य पालन करने के कुछ ऐसे खास नियमों के बारे में बात करेंगे जिनके बगैर ब्रह्मचर्य का पालन कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर दोस्तों हम हिंदू धर्म की माने तो उसमें ब्रह्मचर्य का बहुत ही महत्व बताया गया है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा बलशाली हो जाता है, जिसके उदाहरण हम भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद, नारद मुनि, परशुराम जी, हनुमान जी, इनसे हम ले सकते हैं, यानी इनकी जो शक्ति थी वो काफी ज्यादा थी। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए जो नियम है वो कौन कौन से है। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जिनसे आप ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अगर दोस्तों हम पहले नियम की बात करें तो ये जो नियम है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, इसके बगैर ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों पहला नियम है कि आपको हर दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको व्यायाम, प्राणायाम, आसन और ध्यान, इन सब का सहारा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कमरे में नहीं करना है बल्कि खुले वातावरण में करना है। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो वो है अपने भोजन पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यानी आपके भोजन में मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडे, चाय, कॉफी, फास्ट फूड, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको उन चीजों को शामिल नहीं करना है जो कि आपके शरीर में कामवासना को बढ़ाती हो, मेरा मतलब है कि गर्मी बढ़ाती हो, तो इन सब का सेवन करने से आपको बचना है और आपको अपने घर पर बने हुए शुद्ध सात्विक भोजन का ही सेवन करना है। अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो आपको पान, मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, भांग, जो भी नशीली चीजें हैं, जो जिनसे नशा होता है, इन सब से आपको दूर रहना है। दोस्तों अगर हम चौथे नियम की बात करें तो अगर आप स्त्री पुरुष जो कोई भी हो, आपको अपने अपोजिट जेंडर के बारे में न तो अश्लील बातें करनी है न ही उनके बारे में सोचना है, क्योंकि दोस्तों जो भी चीजें चित्त में आनंद पैदा करती हो, विषय वासना को बढ़ाती हो, इन सब से आपको दूर रहना है। स्त्री पुरुष को कभी भी एकांतवास में नहीं मिलना चाहिए, आपस में स्पर्श नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो आप मिल सकते हैं, लेकिन आपके मन में वो प्रवेश न कर पाए, इसका ध्यान आपको जरूर रखना। दोस्तों अगर हम पांचवें नियम की बात करें तो आपको उन व्यक्तियों के साथ अपना समय नहीं बिताना है जो कि आपके साथ हमेशा अश्लील बातें ही करते रहते हैं, उत्तेजना को बढ़ाते रहते हैं, इन सब लोगों से आपको बचना है। आपको उन लोगों के साथ ही रहना है जो अच्छी बातें करते हैं, और आपको आध्यात्मिक पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, और जितने भी ब्रह्मचारी हुए हैं उनकी कहानियां भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनकी कहानियों से आपको बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों छठा नियम है कि आंखों से कभी भी आपको अश्लील चीजें नहीं देखनी है, कानों से कभी भी अश्लील बातें नहीं सुननी है, और मुंह से कभी भी अश्लील वाणी नहीं बोलनी है, क्योंकि ये चीजें आपका वीर्यनाश करा सकती है, इनसे आपका मन भटकता है। दोस्तों अगर हम सातवें नियम की बात करें तो आलस को आपको हमेशा के लिए गुड बाय कहना ही होगा, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है। दोस्तों आपको पूरे दिन व्यस्त रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर खाली बैठे रहोगे तो काम वासना आपको जकड़ सकती है, और हो सके तो आप दोपहर में भी न सोए। दोस्तों आपको अगर बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस हो रही हो तब आप सो सकते हैं, वो भी आधे घंटे या फिर एक घंटे के लिए ही आपको सोना है। अगर हम आठवें नियम की बात करें तो आपको रोजाना ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, और आपको ओम या फिर गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों इन सब से आपका मन बहुत ही ज्यादा शांत रहेगा और ईश्वर भक्ति में लगा रहेगा, और ब्रह्मचर्य का पालन करना तो आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। अगर हम नवे नियम की बात करें, रात का जो भोजन होता है वो आपको सोने से 2 घंटे पहले ही कर लेना है, और यह ध्यान रखें रात का भोजन हल्का होना चाहिए, और आपको चबा चबा कर तो जरूर करना है। दोस्तों आपको रात को 10 बजे से पहले हर हालत में सो जाना ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाओ। दोस्तों दसवां नियम है कि एक ब्रह्मचारी के लिए लंगोट बांधना बहुत ही लाभकारी माना गया है, चाहे आप लंगोट बांध सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। दोस्तों आपको एक बात का जरूर ध्यान
ध्यान रखना है कि सोते समय आपको सीधे रीढ़ के सहारे तो कभी सोना नहीं है। कुछ समय के लिए आप सो सकते हो, लेकिन आपको करवटें बदलते रहना है। जो बाई करवट होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी मानी गई। तो दोस्तों, इन नियमों को अपनाने से आपका ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपका ब्रह्मचर्य बीच में टूट जाए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, फिर से शुरू कर देना है। दोस्तों, आप जो भी गलतियां करते हो उनसे आपको सीखना है और उन गलतियों को आपको फिर से दोहराना नहीं है, क्योंकि आपकी जो समझ है वो ही आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत ही आसान बनाएगी। इसलिए आपको समझते रहना है कि मैंने कौन सी गलती की है। जितना ज़्यादा आप इस मन को समझोगे उतना ही आसान होगा आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।